हाल ही में गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी का ग्रैंड प्री वेडिंग फंक्शन हुआ, जो काफी सुर्खियों में रहा। इस दौरान अनंत अंबानी ने हमेशा सपोर्ट करने के लिए अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहा, साथ ही उन्होंने अपनी बीमारी का भी जिक्र किया। साल 2017 में दिए एक इंटरव्यू में नीता अंबानी ने इस बात का खुलासा किया था कि अनंत को अस्थमा की बीमारी है, जिसके कारण एक बार वजन कम करने के बावजूद उनका दोबारा वजन बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में अनंत अंबानी ने 108 किलो वेट लॉस कर लिया था। बता दें, अस्थमा फेफड़ों की एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। इसमें सांस की नली के आसपास सूजन और मांसपेशियों में जकड़न होने लगती है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। ये बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। हालांकि स्टेरॉइड्स की मदद से इसके लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है, साथ ही अस्थमा के दौरे और मौत के जोखिम को कम करने में भी मदद मिलती है। अब सवाल उठता है कि क्या अस्थमा के कारण मोटापा हो सकता है। देखिए, वैसे तो मोटापा और अस्थमा का कोई सीधा संबंध है नहीं, लेकिन कुछ स्थितियों में इसके कारण मरीज वेट गेन करने लगते हैं। इसमें एक्सरसाइज की कमी शामिल है, क्योंकि सांस की समस्या के कारण अस्थमा पीड़ित ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका वेट गेन होने लगता है। बता दें, नीता अंबानी ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात को साफ किया था कि अनंत अंबानी को अस्थमा कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड लेना पड़ता है, जिसके साइड इफेक्ट के कारण वो वजन कम नहीं कर पा रहे हैं। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।